हाय दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन। आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके रिगार्डिंग जियो के डिवाइस है, कैसे अपने डीवीआर को आप ऑनलाइन कर सकते हैं। काफी टाइम से मेरे सब्सक्राइबर मुझे बोल रहे थे, कमेंट बॉक्स में राइट कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे कि जियो के डिवाइस से कैसे अपने डीवीआर को हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फाइनली ये वीडियो बना दी है। काफी डिले हुआ बनाने में, क्योंकि काफी टाइम पहले मैंने बोला था बनाऊंगा, लेकिन कुछ रीजन के चलते बना नहीं पाया था। तो आज ये फाइनली इस वीडियो बना लिया मैंने और आपके सामने पेश आई वीडियो, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप जान पाएंगे कैसे अपने जियो की डिवाइस को ऑन करके अपने डीवीआर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरी इस टाइप की वीडियो होती है सारी सीपी प्लस सिक्विजन दउआ, तकरीबन 150 के आसपास की वीडियो पहुंच चुकी है मेरी, जिसमें सब कुछ मैंने ये बताई, सेटिंग बताई सारी, कैसे ऑनलाइन करते हैं, कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे बीप बंद करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक लॉक की वीडियो बनी हुई है, वीडियो डॉक्यूमेंट भी आने वाली है वीडियो। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे सब्सक्राइब का आइकन है, वहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं कि फ्यूचर में जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए कि गुलशन ने वीडियो अपलोड की है। इस वीडियो के बाद कोई भी आपके मन में डाउट रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो जरूर बनाऊंगा या आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया जियो की डिवाइस और साथ में जो दिखा रहा हूँ टीपी लिंक की वाईफाई स्टिक, जिसके रिगार्डिंग में पहले वीडियो बना चुका हूँ। ये दोनों आपको चीज़ें रखनी है अपने पास में, पहला जियो डिवाइस और दूसरा ये टीपी लिंक का जो वाईफाई राउटर है, वाईफाई डिवाइस जो है, ये दोनों आपको अपने पास रखना है। तो जियो मैंने ऑन कर लिया है, जियो मेरा कनेक्टेड है अभी, तो सिंपली ये टीपी लिंक की स्टिक को आपने लेना है और इसको इंसर्ट करना है आपको अपने डीवीआर के अंदर यूएसबी पोर्ट में। तो डीवीआर में दो यूएसबी के पोर्ट होते हैं, पहला पोर्ट तो ये रहा, इसका दूसरा पोर्ट आगे है, कई डीवीआर में दोनों पोर्ट पीछे होते हैं, लेकिन दो पोर्ट होते ही होते हैं। तो आपको सिंपली इस डीवीआर के अंदर इसको इंसर्ट करना है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है मैंने। अब आप देख रहे हैं कि डीवीआर में मेरी स्टिक इंसर्ट हो रखी है। अब आगे हमारे टीवी की स्क्रीन पर, डीवीआर की स्क्रीन पर आपको सिंपली राइट क्लिक मार के मेन मेन्यू खोलना है। मेन मेन्यू के अंदर आपको जाना है, जो ऑप्शन आपका आएगा सेटिंग का, सेकेंड लास्ट ऑप्शन सेटिंग का है, तो आपने सिंपली सेटिंग पर जाके नेटवर्क पर जाना है। नेटवर्क पे जाने के बाद आपके आईपी एड्रेस आएंगे, तो लेफ्ट हैंड पे आपको दिख रहा है वाईफाई, तो आपने सिंपली वाईफाई पे क्लिक करना है। तो स्टिक लगाने के बाद ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे वाईफाई शो हो जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा जियो का नेट है और मेरी जियो की डिवाइस यहाँ पे शो हो रही है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपली मुझे जियो पे पहले ऊपर एनेबल क्लिक करके जियो पे क्लिक करना है। जियो पे डबल क्लिक मारते ही ये पासवर्ड मांगे उसे जियो का, तो यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है मुझे सिंपली कनेक्ट पासवर्ड। तो कनेक्शन पासवर्ड मेरा जियो का है पासवर्ड PASSWORD, तो मैं सिंपली वो वाला पासवर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, आपको ऊपर वाईफाई ऑटो कनेक्ट का है वहाँ पे क्लिक लगाना है ताकि ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। तो सिंपली यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है, नीचे आप आईपी देख रहे हैं, यहाँ पे DHCP लिखा हुआ है, तो आपको DHCP क्लिक लगाना है यहाँ पे, अगर नहीं लगा हो तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 00 आईपी आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके आईपी शो हो जाएंगे जो जियो इसको इशू करेगा। तो अभी 00 आ रहे हैं, तो कुछ ही टाइम लगेगा कि अपने आप वो इशू हो जाएगा। इशू होते ही यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं मेरे जियो का जो आईपी है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप सिंपली ये तीन आईपी आ रहे हैं 192.168.225.235, तो ये आईपी जियो ने मुझे इशू की है। तो आप सिंपली नीचे जो ओके का बटन है आपको उस पर क्लिक करना है। इसकी सेटिंग के बाद आईपी आपने चेक कर ली है, यहाँ पे नीचे ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब राइट हैंड पर आप देख सकते हैं मेरे जियो का आईपी आ गया है, अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं सिंपली इंस्टा ऑन क्लाउड पे, तो यहाँ पे आप देखते हैं स्टेटस जो है मेरा ऑनलाइन हो गया है। अगर यहाँ पे ऊपर एनेबल पे क्लिक ना हो तो एनेबल क्लिक लगा लीजिए, स्टेटस आपका ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन ना हो तो एक बार डीवीआर को रिस्टार्ट कर दीजिए, तो मेरा ऑनलाइन हो गया। अब चलते हैं मोबाइल फ़ोन पर, जो कि सीरियल नंबर ये है, तो सिंपली स्कैन करने के बाद ये सीरियल नंबर मेरे शो होना चाहिए फ़ोन में। तो गाइज, आ गए मेरे मोबाइल फ़ोन पे, आपको सिंपली जाना है फर्स्ट टाइम प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पर टाइप करना है आपने, अगर आपका एंड्रॉयड है तो आपने टाइप करना है GCMOB, अगर आपका आईफोन है तो आपने टाइप करना है ICMOB। आइकन दोनों में सेम आएगा, कैमरा बना होगा रेड कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर का एक आइस बनी होगी कैमरे पे, तो आपने सिंपली ये वाली ऐप को इंस्टॉल करना है। तो मेरे फ़ोन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज, मेरी एप्लीकेशन ऑन हो गई है। आपको सिंपली फर्स्ट टाइम सेटिंग के लिए तीन लाइनें लेफ्ट हैंड पे बनी हुई है टॉप पे, आपको इन तीन लाइनों पे क्लिक करना है। देन इसके अंदर ऑप्शन आएगा डिवाइस मैनेजर का, आपको डिवाइस मैनेजर पे जाना है। यहाँ पे आपको टॉप साइड के राइट पे प्लस का साइन बना हुआ है, कैमरा बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है।
यहाँ पे एक एरर आएगा, बिफोर एडिंग डिवाइस प्लीज मेक श्योर योर डिवाइस इज इंस्टॉलाइज्ड अदरवाइज यू कैन नॉट यूज इट। ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे चार ऑप्शन आएंगे, तो आपको सेकंड ऑप्शन वायर कनेक्शन वायर डिवाइस है उस पर क्लिक करके नीचे सबसे नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, इंस्टा ऑन आईपी डोमेन, तो आपको सिंपली इंस्टा ऑन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेम डालने के लिए बोल रहा है, तो नेम आप कुछ भी डाल दीजिए, तो मैं डालता हूँ ऑफिस क्योंकि मेरे ऑफिस में लगा हुआ है। तो सीरियल नंबर के आगे बार कोड सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके कैमरा आपका ओपन हो जाएगा, तो आपको सिंपली जाना है अपनी डीवीआर पे एलईडी की स्क्रीन पे और बार कोड को स्कैन करना है। स्कैन करते ही जो डीवीआर का कोड है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका यूजर नेम आ रहा है एडमिन, तो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं अपने डीवीआर का पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। नीचे आ रहा है लाइव प्रीव्यू, इसको आप मेन करेंगे तो क्लियरिटी आपकी एचडी आएगी। तो मेरे तो कैमरे नॉर्मल लगे हैं तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने एचडी कैम लगाए हुए हैं तो उसको मेन कर देंगे तो आपकी क्लियरिटी एचडी हो जाएगी। लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि स्पीड इसको हाई चाहिए होती है। अगर आप 3G या 2G यूज कर रहे हैं तो इसको जो एक्स्ट्रा धंधे और नीचे स्टार्ट लाइव प्रीव्यू उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर इनके साथ कनेक्ट ना हो तो आप एक बार डीवीआर को रिस्टार्ट कर लीजिए। कई बार ऐसा इशू आता है कि फर्स्ट टाइम सेटिंग के बाद डीवीआर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे कैमरे मेरे मोबाइल पे आ गए हैं और ये चल रहे हैं, जिसको बड़ा करना है छोटा करना है। तो मेरे जियो से मेरा जो मोबाइल है वो कनेक्टेड हो चुका है। यही सेटिंग थी कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं जियो के फोन से। तो दोस्तों ये तो एक स्टेप था कि छोटी डिवाइस जो आती है टीपी लिंक की उसके थ्रू कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके हर डीवीआर में ये डिवाइस कंपेटेबल ना हो, हो सकता है कि हर डिवाइस को ये सूट ना करे। तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मैं उसको बताऊंगा कि आप लैन के थ्रू मतलब जियो की डिवाइस के थ्रू ही आप कैसे अपने मॉडम को कनेक्टिविटी दे सकते हैं और कैसे मॉडम के थ्रू आप लैन के थ्रू अपने डीवीआर को ऑनलाइन कर सकते हैं। वो वीडियो मेरी अगली वीडियो आएगी। तो उम्मीद करूंगा आपने लाइक क्लिक किया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं किया तो प्लीज लाइक पे क्लिक कर दें। अगर सब्सक्राइब पे क्लिक नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू।